ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी पूरे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रही है। यह जानकारी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के हिमाचल प्रदेश के कार्यकारिणी के चेयरमैन जेजे सिंह ने आज मंडी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। जेजे सिंह ने बताया कि देश में दोनों ही पार्टियां विकास के नाम पर भद्दा मजा कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान दोनों ही पार्टियां बड़े बड़े चुनावी वायदे करती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही जनता को किए हुए वायदों को भूल जाती है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इस बार देश में अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रही है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता दोनों पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देगी और निश्चित तौर पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की जीत होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक देश भर में अपने प्रत्याशी उतार रही है। पार्टी शेर के चुनाव चिन्ह के साथ हिमाचल में सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मंडी लोकसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी ने श्री चंद्रमणि शर्मा जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चंद्रमणि शर्मा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो पिछले 30 साल से इस कार्य में जुड़े हुए हैं। जनता के बीच में से ही हमारे उम्मीदवार आ रहे हैं। जिस प्रकार दूसरी पार्टियां परिवारवाद को बढ़ा रही हैं, हमारी पार्टी उसके खिलाफ है। देश की दोनों मुख्य पार्टियां ही परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रही हैं। हम जिन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं उनमें हैं, सबसे ऊपर आता है राष्ट्रवाद। हमें ये समझना होगा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रभक्त है। विचारधारा और सोच अलग अलग हो सकती है, परंतु कोई भी व्यक्ति देशद्रोही नहीं हो सकता है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो है युवाओं के लिए। सरकारें कहती हैं कि हम युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, परंतु हम ये कहते हैं कि सरकारें युवाओं से रोज़गार छीन रही हैं। सरकार ने जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट नीति को आगे किया है, उससे युवाओं के एक समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। बराबर काम के लिए बराबर वेतन का छलावा हो रहा है। हमें समझना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नीति इतनी अच्छी है तो विधायक और सांसद भी कॉन्ट्रैक्ट नीति के तहत ही क्यों ना ला जाएं। दूसरी चीज है पुरानी पेंशन पॉलिसी की। देश भर में जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, उसकी जगह इन्होंने नई पेंशन पॉलिसी लेकर आए हैं। हमारी मांग है कि अगर नई पेंशन पॉलिसी इतनी अच्छी है तो क्यों पुरानी पेंशन पॉलिसी नेताओं की और विधायकों की भी खत्म की जाए। हमें कहते हैं कि नई पेंशन पॉलिसी विधायकों और सांसदों की भी कर दी जाए। तीसरी चीज आती है हमारी, वो है ट्रिपल एस, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करें। अगर सरकारें ये सब करने में फेल रही हैं तो इसका अर्थ है कि ये सरकारें कामयाब नहीं हो सकती हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देश का हर व्यक्ति एक सैनिक है, क्योंकि हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है देश की रक्षा और अखंडता के लिए आगे आए। बॉर्डर पे लड़ने वाला सैनिक होता है, परंतु लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे एक सैनिक की भांति आना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।